इस श्रृंखला में सनातन धर्म चैनल के माध्यम से हम वैदिक ज्ञान को अत्यंत सरलता से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी नई युवा पीढ़ी इस ज्ञान का गौरव अनुभव कर सके। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 हैं। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। ब्रह्मा, जीव और जगत का ज्ञान पाना उपनिषदों की मूल शिक्षा है। भगवद गीता तथा ब्रह्म सूत्र उपनिषदों के साथ मिलकर वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। उपनिषद ब्रह्म विद्या है। जिज्ञासाओं के ऋषियों द्वारा खोजे हुए उत्तर हैं। वे चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं का सार हैं। वे कविहृदय ऋषियों की काव्यमय आध्यात्मिक रचनाएं हैं। वे अज्ञात की खोज के प्रयास हैं। वे वर्णनातीत परम शक्ति को शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिशें हैं, और वे उस निराकार, निर्विकार, असीम, अपार को अंतर्दृष्टि से समझने और परिभाषित करने की अदम्य आकांक्षा के लेखबद्ध विवरण हैं। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठना, अर्थात ब्रह्मा विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। उपनिषद में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गूढ़ संवाद है, जो पाठक को वेद के मर्म तक पहुंचाता है। उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा के आदर्श उदाहरण हैं। प्रश्नोत्तर के माध्यम से सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन उपनिषदों में सहज ढंग से किया गया है। विभिन्न दृष्टांतों, उदाहरणों, रूपकों, संकेतों और युक्तियों द्वारा आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा आदि का स्पष्टीकरण इतनी सफलता से उपनिषद ही कर सके हैं। किसी उपनिषद का संबंध किस वेद से है, इस आधार पर उपनिषदों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक, ऋग्वेदीय 10 उपनिषद। दो, शुक्ल यजुर्वेदीय 19 उपनिषद। तीन, कृष्ण यजुर्वेदीय 32 उपनिषद। चार, सामवेदीय 16 उपनिषद। पांच, अथर्ववेदीय 31 उपनिषद। कुल 108 उपनिषद। इनके अतिरिक्त नारायण, नृसिंह, रामतापनी तथा गोपाल 4 उपनिषद और हैं।
उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से प्रायः 13 उपनिषदों को मुख्य उपनिषद कहा जाता है। मुख्य उपनिषद वे उपनिषद हैं जो प्राचीनतम हैं। इनका रचनाकाल 800 ईसा पूर्व से लेकर ईसवी सन के आरंभ तक माना जाता है। वह 13 उपनिषद इस प्रकार है। 1 ईशावास्योपनिषद, 2 केनोपनिषद, 3 कठोपनिषद, 4 प्रश्नोपनिषद, 5 मुंडकोपनिषद, 6 मांडुक्योपनिषद, 7 तैत्तरीयोपनिषद, 8 ऐत्रेयोपनिषद, 9 छांदोग्योपनिषद, 10 बृहदारण्यकोपनिषद, 11 श्वेताश्वत्रोपनिषद, 12 कौशिकी उपनिषद, 13 मैत्रायणी उपनिषद। अगले भाग में हम ब्रह्मसूत्र के बारे में जानेंगे।